सक्से जान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए एपी का एक और सवाल लेकर आया हूं। देखिए सवाल, इफ सम ऑफ एन टर्म ऑफ अ सीक्वेंस गिवन बाय एस एन इक्वल टू टू एन स्क्वायर प्लस थ्री एन देन फाइंड इस 50th टर्म। तो आप सीक्वेंस की एक प्रॉपर्टी जानते होंगे कि जो nth टर्म है tn, इसको कैसे लिख सकते हैं, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म माइनस सम ऑफ फर्स्ट n माइनस वन टर्म। यह प्रॉपर्टी है किसी भी सीक्वेंस में उसका nth टर्म इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो sn है क्या, 2n स्क्वायर प्लस 3n, तो sn माइनस 1 क्या होगा, n को किससे रिप्लेस कर दें, n माइनस 1 से। सॉल्व करते हैं हम, क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4n प्लस 3n माइनस 3। तो यहां से क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 3n कितना हो जाएगा, माइनस n माइनस 1। तो देखिए हमारा गेस n माइनस 1 क्या आ गया, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 1। अब हम क्या निकाल लेते हैं nth टर्म क्या हो जाएगा, एस एन माइनस एन। तो हम nth टर्म क्या लिख सकते हैं, टी एन बराबर एस एन माइनस एस एन माइनस वन। तो एस एन क्या है, टू एन स्क्वायर प्लस थ्री एन। तो एस एन माइनस वन क्या है, इसको सॉल्व करिए। तो 2n स्क्वायर 2n स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, 3n प्लस n कितना हो जाएगा, 4n प्लस 1। तो tn कितना हो गया, 4n प्लस 1। हमें क्या चाहिए, 50th टर्म। तो हम क्या निकाल लें, t50। तो n का स्थान क्या रख देंगे, 50। तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 50 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 201। तो t50 कितना हो जाएगा, 201, 201। यही आपका आंसर है।